मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, न्यू चैप्टर है ये। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और वन डी भी बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो ये आज अपना नया चैप्टर है, मतलब इसमें हमें जो डिस्कशन करना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सेम लाइन के लिए ही हमको पूरे डिस्कशन इसमें करने हैं। ठीक है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे। माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो, माइक रखो, अभी सुनो माइक म्यूट करो। अर्थव सो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे या वन डायमेंशन भी हम बोलते हैं, ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक है बेसिकली। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस। मतलब हमको सिर्फ मोशन की स्टडी करना है, किस कारण वो मोशन हो रहा है उसकी स्टडी यहाँ पे नहीं है। ये जो टॉपिक हमारा जो डिस्कशन पे कि किसके कारण ये मोशन हो रहा है उसकी स्टडी नहीं है। मोशन हो रहा है तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सीलरेशन है, बस यही पूरा कैलकुलेशन आएगा। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में बेसिकली ये टॉपिक आपका रहेगा, दिस इज फ्रॉम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस। ठीक है, बिना कारण जाने। तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, काइनेमेटिक्स में मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बाकी मोशन भी आ जाते हैं। तो काइनेमेटिक्स थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, बट उसका एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब मोशन में क्या क्या स्टडी करनी है, काइनेमेटिक्स में जो टॉपिक की स्टडी करनी होती बेसिकली, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, और तीसरा एक और पार्ट होता है दैट इज एक्सीलरेशन। और इसमें इन सब में एक साथ में आएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सबके साथ में एक पार्ट और साथ में चलेगा दैट इज टाइम। आप उसको छोड़ नहीं सकते, बिना टाइम के ये सारे कैलकुलेशन यूजलेस हैं अल्टीमेटली। तो टाइम के साथ में ये डिस्कशन आपके चलने वाले हैं, टाइम के साथ में ये भी डिस्कशन आएगा, ये भी डिस्कशन रहेगा और ये डिस्कशन भी रहेगा। ठीक है ना? तो काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस, मतलब आपको ये इन टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया? लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर आप मोशन की बात करें तो मोशन इन वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन, जैसे कैरम बोर्ड में जो मोशन होता है कैरम्स का या स्ट्राइकर का, वो टू डायमेंशन है। अपन यहाँ पे ग्राउंड पे चल रहे हैं, ये भी टू डायमेंशन है। और जैसे एरोप्लेन का मोशन है, वर्ड्स का मोशन है ना, काइट का मोशन है, वो कौन सा मोशन हो गया? थ्री डायमेंशन हो गया। सो मोशन कैन बी वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब जिस मोशन को डिस्कस करने के लिए आपको सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत है, उसको क्या बोलोगे आप? मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। किसी मोशन को डिस्कस करने के लिए अगर आपको दो एक्सिस की जरूरत है या दो कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो वो आ जाएगा आपका मोशन इन अ प्लेन में या मोशन इन टू डायमेंशन हो जाएगा। और अगर मान लो आपको डिस्कशन के लिए तीनों डायमेंशन की जरूरत है,
जैसे आप काइट के मोशन को देखोगे या एरोप्लेन के मोशन को देखोगे, उसमें एक्स एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी, वाई की भी जरूरत पड़ेगी और जेड एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी. सो दैट इज थ्री डायमेंशन मोशन, ठीक है ना. तो चैप्टर का फ्लो यही है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, यही कैलकुलेट करना होता है काइनेमेटिक्स में, ठीक है. एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी एक टर्म यहाँ पे यूज होता है, दैट इज उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन. और फिर जब आपको इस मोशन को डिस्कस करना है, जैसे मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेट रोड मैंने ये ले लिया, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, और इस स्ट्रेट रोड पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द कार. एक कार मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लिया कि भाई एक कार है और ये स्ट्रेट लाइन पे ये कार मूव हो रही है. एंड ठीक है, ये कार की जो वेलोसिटी है टी इक्वल्स टू जीरो पे, अभी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 4 meter per second, एंड ड्राइवर विल एक्सीलरेट द कार विथ एन एक्सीलरेशन इन द सेम डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 meter per second square. क्लियर हो गया. तो टी इक्वल्स टू जीरो पे ये यहाँ पे लोकेटेड है. तो आप अब स्ट्रेट रोड को क्या मान सकते हो, आप स्ट्रेट रोड को एक्स एक्सिस मान सकते हो, वाई एक्सिस मान सकते हो, जेड एक्सिस मान सकते हो, आपकी चॉइस है, एक ही एक्सिस पे काम हो जाएगा आपका. तो अगर हम यहां पर इस स्ट्रेट रोड को क्या कंसीडर कर लें कि भाई जैसे कार यहां पर है एंड सपोज दिस इज एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो t इक्वल्स टू जीरो पे कार की कुछ पोजीशन है, सपोज 5 meter है ये, और इधर पे ये x एक्सिस है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे आप नेगेटिव x एक्सिस मान लो. तो ये जब हमने एक एक्सिस इमेजिन कर लिए और कार को उस एक्सिस पे कहीं पे हमने लोकेट कर दिए, तो ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया कि भाई हम इसकी स्टडी इस x एक्सिस पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब हमने एक्सपेक्टेबल एक्सिस यहाँ पे लगा दिया, इस स्ट्रेट रोड को आपने एक्स एक्सिस मान लिया, सो दिस एक्स एक्स डैश एक्सिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और अगर आपको कैरम के कैरम बोर्ड में कैरम की पोजीशन को देखने या उसके मोशन की स्टडी करना, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप इमेजिन कर लो, तो वो उसका फ्रेम हो जाएगा. तो वहां पे फ्रेम कौन सा रहेगा, टू डायमेंशन फ्रेम रहेगा. यहाँ पे जो फ्रेम है ये कौन सा फ्रेम है, एक्स एक्स डैश एक्सिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट इज 1 dimension frame. ये 1 dimension frame है, समझ गए कि नहीं, दिस इज 1 dimension frame. अरे जो एक्सिस अटैच कर देते अपन ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए, उसकी पोजीशन के लिए, तो उसी को फ्रेम बोलते हैं अपन, फ्रेम. समझ गए कि आप कैसे स्टडी कर रहे हो, कहां से स्टडी कर रहे हो. जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं भाई इतनी वेलोसिटी से कहीं जा रहा हूं या कुछ है ऐसा, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पॉइंट तो बताने पड़ेंगे ना, कुछ रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई रेफरेंस एक्सिस लेना पड़ेगा, उसको क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है. तो यहाँ पे मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लिख रहा हूं. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब सुइटेबल, सुइटेबल रेफरेंस पॉइंट, सुइटेबल रेफरेंस पॉइंट एंड सुइटेबल एक्सिस टू डिस्कस द प्रॉब्लम. सुइटेबल रेफरेंस पॉइंट एंड सुइटेबल एक्सिस टू डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसको क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है. ये होता फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सुइटेबल रेफरेंस पॉइंट एंड सुइटेबल एक्सिस. भाई जैसे आप अगर हम मेट्रो की बात करें तो उसमें फ्रेम है हमारे, मतलब कि जैसे मेट्रो कहां से चालू हो रही, कहां तक जा रही है, इतने बजे यहां से यहां तक रहेगी, या फिर आपको जैसे नागपुर से वर्धा के लिए बोलना है, तो आप सुटेबल रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे मान लोगे, अपना नागपुर का बस स्टैंड को मान लोगे या नागपुर के रेलवे स्टेशन को मान लोगे, और फिर उस डायरेक्शन को आप क्या ले लोगे, हाँ इसको मैं ये एक्सिस मान लो, या दो एक्सिस ले लो, या दो डायरेक्शन ले लो, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ ले लो, और फिर आप हाँ ये बोल सकते हो कि हाँ ये सुटेबल फ्रेम है इसको डिस्कस करने के लिए.
तो ये तो हमको पहले ही बना दिएगा ये रेफरेंस हमारे साथ में, जिससे हमको वर्धा की पोजीशन पता चल रहा है या फिर इधर पे अमरावती की या गोंदिया की या फिर आसपास की रामटेक की पोजीशन पता चली, तो ये ऑलरेडी बनाई गई है कि नागपुर से नॉर्थ की तरफ जाने पे क्या मिलेगा आपको, रामटेक मिलेगा, नागपुर से साउथ की तरफ जाने पे आपको वर्धा मिलेगा, है ना, ईस्ट की तरफ जाने पे सॉरी वेस्ट की तरफ जाने पे आपको अमरावती मिलेगा, ईस्ट की तरफ जाने पे आपको चंद्रपुर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस पहले से बना दी गई है। तो ये रेफरेंस बनाने से क्या होता है, या रेफरेंस पॉइंट बनाने से या एक्सिस बनाने से या फिर ये डायरेक्शन बनाने से हम प्रॉब्लम को, पोजीशन को या फिर जो भी हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे नागपुर में 0 माइल है, पता है कि नहीं आपको, नागपुर में 0 माइल है ना, यस सर, यस। वहां से सारे, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। तो वो रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका 0 माइल को, और उसके रिस्पेक्ट में फिर बाकी के डिस्टेंस आप बता रहे हो वहां पे। और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि भाई अर्थ की जो, इंडिया की जो पोजीशन है उसमें इतने लॉन्गिट्यूड से इतने लॉन्गिट्यूड तक, इतने लैटिट्यूड से इतने लैटिट्यूड तक है, तो वो भी रेफरेंस है। तो अर्थ को इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड करने से डिफरेंट कंट्रीज की पोजीशन या डिफरेंट जगह की पोजीशन को एक्यूरेटली बताया जाता है, तो इसी को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? अब बात कर लेते इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे ये मैंने यहाँ पे कार इमेजिन किया है, सो व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट भी एक टर्म यूज होता है हमारे लिए। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ये कार यहां से बस यहां तक आई, जितनी बड़ी उसकी लेंथ है कार की उतने ही आगे चली, देन कार इज नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलोगे? इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो कार छत्रपति स्क्वायर से अपन, या 0 माइल से काउंट स्टार्टिंग ले लें अपन, मान लो कार 0 माइल से चली और कहां तक पहुंच गई, मान लो आरबीआई चौक तक पहुंच गई, तो वो डिस्टेंस भी काफी है ना, 0 माइल से आरबीआई तक का मान लो आधा किलोमीटर है, बट कार का जो लेंथ होती है वो हार्डली कितनी होती है, 1 मीटर 2 मीटर हो सकती है, या 3 मीटर होगी या 4 मीटर होगी। तो 4 मीटर के कंपेरिजन में आप 400 मीटर या 200 मीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, 400 मीटर डिस्टेंस और कहां 4 मीटर, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप उसको क्या बोलोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट आप बोलोगे। तो यहां पे जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे बेसिकली मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के, तो हम कार की जगह पे क्या मान लेते हैं? पॉइंट मान लेते हैं, और फिर आगे के डिस्कशन अपन उसके अकॉर्डिंग करते जाते हैं। समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए इतना जो डिस्कशन किया मैंने, या कोई डाउट है बेटा इस पे? हेलो, समझ गए या डाउट है? सर समझ गए। ठीक है, ठीक है, यस सर। देन अब अपन पेज नंबर 2 पे आएंगे। हेलो हेलो, ठीक है, चलो। हाँ, तो अभी हमको डेफिनेशंस देखनी है, इनकी डेफिनेशन देखनी है अगले पेज पे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और इनके लिए फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट करने के पहले मोशन के बारे में बताओ, क्या रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म है? रिलेटिव है। हाँ, रिलेटिव टर्म होते हैं ये कभी भी, मतलब अगर अपन बोल रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे रेस्ट पे हूँ, है ना, किसके रिस्पेक्ट में? ये वाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में, या फिर लैपटॉप के रिस्पेक्ट में, या फिर फैन के रिस्पेक्ट में, या इस दीवार के रिस्पेक्ट में, मैं रेस्ट पे हूँ।
लेकिन अगर मुझे कोई दूसरे ग्रह से ऑब्जर्व कर रहा है या मून से ऑब्जर्व करेगा, तो मैं उसको रेस्ट पे दिखूंगा क्या? नहीं दिखूंगा। पहले तो मैं उसको लगूंगा कि ये रोटेट भी हो रहा है, क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है किसी एक्सिस के लिए, और साथ में ये सन के चारों तरफ घूम भी रहा है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, तो यहां पर हम जो स्टडी करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में, मतलब इसमें हमारा जो फ्रेम है वो अर्थ है, और उसके रिस्पेक्ट में, और अर्थ को हम क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे? रेस्ट पे मान ले रहे हैं। तो हमारा जो फ्रेम है दैट इज ग्राउंड फ्रेम या अर्थ फ्रेम, और उसको हमने रेस्ट पे मान लिया है। ये बिल्कुल वैसे ही होता बेटा जैसे मान लो आप ट्रेन पे बैठे हो और ट्रेन चल रही, सारे खिड़की दरवाजे कांच सब बिल्कुल पैक है, आपको बाहर के बारे में पता नहीं चल रहा है, एंड ट्रेन इज मूविंग वेरी स्मूथली, जिसमें जर्क भी आपको फील नहीं हो रहा है कुछ भी। तो आप जिस सीट पे बैठे, उसके सामने वाली सीट पे जो बैठे वाले हैं वो आपस में बात करते हैं नॉर्मली, वो एक दूसरे को कैसे लगते कि यार ये तो रेस्ट पे, और उसी उसी जो बोगी है या उस डिब्बे के रिस्पेक्ट में आप इधर उधर मूव करते हो। आप सीट नंबर 5 पे चले जाओगे, 10 पे चले जाओगे, या 20 पे चले जाओगे, या वॉशरूम चले जाओगे, कहीं पर भी, है ना, उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको लगेगा नहीं मैं ये वाले डिब्बे पे हूं, मैं तो यहां वहां बस घूम रहा हूं। लेकिन जैसे आप नागपुर में इस इवेंट को कर रहे हो अभी 10 बजे, और 10 बजे ट्रेन चल गई, आप 2 घंटे बाद भी उसी डिब्बे पे ही रहोगे, आपका वही फ्रेम है, आप उस डिब्बे के, आपके लिए वो डिब्बा रेस्ट पे है, या आपके लिए जो सीट नंबर 1 है वो आपके लिए रेस्ट पे वहां पे। लेकिन जो बाहर है, जो ग्राउंड पे है, जो आप जिसने आपको सी ऑफ करके गए स्टेशन पे, 2 घंटे बाद उसको लगेगा कि नहीं ये तो अब नागपुर से कहीं और पहुंच गया होगा, 2 घंटे में बलदा पहुंच गया होगा, कहीं और पहुंच गया होगा। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी इस पे डिस्कशन पे? सर मोशन एब्सोल्यूट हो सकता है? नहीं, एब्सोल्यूट होते ही नहीं ना, रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। तो अब आप उसको एब्सोल्यूट किसी के रिस्पेक्ट में बोलो, किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे मैं, मेरा जो मोशन है यहाँ पे, ये इस दीवाल के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट है, क्योंकि ये दीवाल मेरे रेस्ट पे है यहाँ पे, इसकी पोजीशन मैं कल भी देखूंगा तो यहीं देखेगा, परसों भी देखूंगा तो यहीं देखेगी, तो इसके रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट है। बट आप इसको कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते। समझ गए या नहीं? समझ गए? हाँ, तो ये जो मोशन है हमारा, आप जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली जो घर पे है या कमरे पे है, आप उसको भी वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप ट्रेन के लिए आप ट्रीट कर रहे हो, ट्रेन के अंदर बैठे हो, और आप ट्रेन के अंदर भी मान लो हम सारी सीट्स को, सारे कंपार्टमेंट को, सब मतलब सीट को बोल रहा हूँ मैं, सबको निकाल दे, अलग कर दे, बिल्कुल खाली कर दे, तो आप उसके अंदर भी क्रिकेट खेल सकते हो, या फिर उसके अंदर भी कुछ गेम खेल सकते हो, प्ले कर सकते हो नॉर्मल जैसे खेलते हैं अपन बाहर ग्राउंड पे, वैसा हो सकता है। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? हेलो, यस। हाँ, तो एक प्रकार से हमारी जो अर्थ है वैसे वो ट्रेन का डिब्बा ही है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा, हम इसको लेके यूज टू है ज्यादा, ट्रेन के डिब्बे को लेके हम यूज टू नहीं, वो तो कभी कभार होता है। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट बेटा? सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, नॉट द एब्सोल्यूट टर्म। तो अब हम डिस्कशन करने वाले यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कशन करने वाले, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस का मतलब क्या आएगा? डिस्टेंस के लिए सिंबल आप डी और कैपिटल डी लिख सकते हो, और इसका मतलब क्या, दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ इन गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल में ये एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। ठीक है, और दूसरा आएगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं सिंबल ले रहा हूं एस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance in the given time interval, उस time interval में ये shortest distance होता है। Distance can be zero या हमेशा positive रहेगा, और always positive, but displacement can be zero, positive or negative।
डिस्प्लेसमेंट प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब माइनस में कैसे होगा, अगर मान लो पहले आप जैसे यहां पर है, यहां से पहले आप इधर गए और फिर वापस लौट के इधर पहुंच गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजिशन ये थी, पहले आप इधर गए, ठीक है, जैसे पहले आप इधर गए और फिर वापस लौट के आप आ गए उल्टा डायरेक्शन और चले गए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। जहां से चले वहीं वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये है, फॉर द गिवन टाइम इंटरवल किसी टाइम इंटरवल के लिए, फॉर द गिवन टाइम इंटरवल जो डिस्टेंस होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है। अगर हम इक्वल टू की बात करें, मैंने मॉड इसलिए लिया डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, इसलिए मैंने मॉड ले लिया, कंपेयर कर रहे थे हम, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मॉड है वो इक्वल कब होगा, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होते। तो डिस्टेंस का मतलब समझ गए, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया शॉर्टेस्ट। जैसे मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट लिया मैंने, दिस इज द इनिशियल पोजिशन, ठीक है, और आपने यहां पर घड़ी जब चालू किए, इंटरवल की हम बात कर रहे हैं यहां पे, जब आपने घड़ी यहाँ पे चालू किए तो घड़ी में जो टाइम दिखा रहा है यहाँ पे अभी, दैट इज 11:45 और 00 दिखा रहा है, और उसके बाद ये यहाँ पर जो पार्टिकल है या यहाँ जो पर्सन है, यहां से चलकर ये वाले पाथ से होते हुए यहां कहीं तक पहुंचा, दिस इज दियर फाइनल पोजिशन। सो दिस इज ए पोजिशन एंड दिस इज बी पोजिशन, ये चल के यहाँ पे आया और जब इसने अपनी घड़ी को देखा, ठीक है, तो घड़ी ने जो टाइम दिखा रही थी दैट इज 11:47, ये इस तरह से घड़ी का टाइम उसको देखा यहाँ पे, और ये यहां से यहां तक चल के आया कितना, ही ट्रेवल 30 मीटर, यहां से यहां तक एक्चुअली ये 30 मीटर चला है, समझ गए या नहीं। सो विच इज द एक्चुअल पाथ लेंथ या डिस्टेंस कितना चला उसने, दिस 30 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, ये 30 मीटर का डिस्टेंस उसने चला, ये कोई रोड थी उसमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस 30 मीटर था। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक होगा, उसको ड्रॉ कैसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट सीधी लाइन आपको ड्रॉ करना, ये सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर देना, सो दिस इज दियर डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है इसका, दिस इज दियर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंड सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज हियर डायरेक्टली 20 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट है, तो 11:45 से 11:47 तक या 11:45 से 11:47 के टाइम इंटरवल में उस पर्सन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 30 मीटर और उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, समझ गए। तो फॉर द टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में यहां पे मैं डिस्टेंस लिख दे रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के लिए सिंबल डी, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल एस, और अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें यहां पे, टाइम इंटरवल जैसे 11:45 to 11:47 AM तक कितना डिस्टेंस चला इसमें, 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना इसका 20 मीटर, इसलिए मैंने क्या लिखा था कि फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, जब आप दो चीज को कंपेयर कर रहे हो तो टाइम इंटरवल वही होना चाहिए जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो। अच्छा, सम टाइम यहाँ पे क्या लिख देते, देखो घड़ी तो आपके पास इस तरह की है, सम टाइम आप क्या करते हो इसको टी इक्वल्स टू जीरो मान लेते हैं, और जब ये बी पे पहुंचा तो ये वाले टाइम को कितना मान लेंगे, 2 मिनट। तो बेटा ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी आप जिसको बोलोगे, दिस इज एक्चुअली 2 मिनट ना, तो जो इवेंट स्टार्ट हो रहा है जहां पे एंड हो रहा है उसी के साथ में कंपेयर करना है, ऐसा नहीं कि भाई हम इसके
डिस्टेंस का कंपेरिजन आप यहाँ के लिए ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का आप फिर से 1146 के लिए ले रहे हो, इसलिए गिवन टाइम इंटरवल लिख दिया मैंने। तो फॉर द गिवन टाइम इंटरवल ये जो टर्म मैंने लिखा था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो गया या कोई डाउट है? कैलकुलेशन समझ गया इसका, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का? हेलो, कोई डाउट है? समझ गया। हम डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे भी टाइम ले सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट के देखो, उस डिस्प्लेसमेंट में भी वही टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल बदलोगे नहीं, क्योंकि घड़ी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं चलती ना। घड़ी किसके हिसाब से चलती है? वो अपने हिसाब से ही चलती है, ऑब्जेक्ट मूव करे ना करे। अगर मान लो वो पर्सन ए पर ही खड़ा है, ठीक है खड़ा ही है मान लो, तो घड़ी तो चलती रहेगी, उसका टाइम तो बढ़ता रहेगा ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी वही टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस के लिए भी वही टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट बस एक पार्ट हो गया, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है बस, बाकी घड़ी को आप नहीं बदल सकते वहां पे। समझ गया या नहीं? Yes, sir, हाँ, मतलब डिस्टेंस के लिए 2 मिनट और डिस्प्लेसमेंट के लिए कम नहीं करोगे। हाँ, अगर मान लो वो पहले वो वाले पाथ से गया और फिर ये वाले पाथ से गया और स्पीड सेम रख रहा है तो फिर ठीक है, वहां पे टाइम अलग अलग लगेगा। समझ गया या नहीं? हेलो, यस सर, यस सर। ओके बेटा, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, पेज नंबर 2 पर। हो गया, ले लिए? हाँ सर, यस सर। अब पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। देखो अभी एक जो मन में तुम्हारे डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पे डाउट आया तुम लोगों को, वो भी मैं क्लियर करता हूँ अभी, ठीक है। और पेज नंबर 4 जो डाउट आया था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लेके, उसको अपन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सपोज ये जो पोजिशन है यहाँ पर, ये नागपुर की पोजिशन, दिस इज द नागपुर, और यहां कहीं पर हमने इसकी पोजीशन ले ली है, दिस इज मुंबई, ये मुंबई। क्या पेज नंबर 3 है? 3 है क्या? ठीक है, मुंबई, ठीक है, ये नागपुर हो गया, ये मुंबई हो गया। और यहां से अगर मान लो एक एरोप्लेन जा रही है सीधे, हम दोनों के लिए ले एरोप्लेन को जाने के लिए टाइम इंटरवल अगर अपन घड़ी चालू कर दें, और एक बाय रोड ये कोई कार से यहां तक जा रहा है, दिस इज बाय रोड पाथ, तो एक एरोप्लेन वाला पाथ आपको दिख रहा है और एक बाय रोड वाला पाथ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये बाय रोड है यहाँ पे, तो बाय रोड वाले पाथ से और ये एरोप्लेन वाला जो पाथ है, एक एरोप्लेन से एक यहां से, तो इसका जो डिस्टेंस यहाँ पे दिस इज 700 किलोमीटर, और जब बाई रोड जा रहे हैं सो दिस इज 1000 किलोमीटर है, ठीक है ना। बाई रोड 1000 किलोमीटर ले लिया मैंने एंड बाई एरोप्लेन इट इज 700 किलोमीटर। अब टाइम इंटरवल की बात करें अगर अपन इस पर्सन के लिए, और कार वाले ने अपनी घड़ी यहां पे चालू किया और ये आज की डेट ले लें अपन 1000 किलोमीटर, मान लो कार से जब ये जा रहा है और इसने घड़ी जब चालू किया सुबह 6 बजे, हाँ, और जब ये यहाँ पहुंचा तो इसकी जो घड़ी का टाइम है दैट इज इवनिंग में ये 5 PM सेम डे, मतलब अगर अपन आज की डेट डाल लें 22/9 और सेम डे 22/9 को ये यहाँ पे पहुंच गया 5 बजे, सुबह 6 बजे चला, शाम को 5 बजे यहाँ पहुंच गया, ठीक है, बाय कार। एंड बाय प्लेन की अगर अपन बात करें तो प्लेन वाले ने भी सुबह 6 बजे चला ये 6 AM पे 22/9 को, एंड आफ्टर हाफ एन आवर 6:30 AM सेम डे पे ये यहाँ पे पहुंच गया है 22/9 को, समझ गए। तो दोनों के मोशन यहाँ पे दिख रहे हैं,
अब हम दोनों के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें सेम टाइम इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पहले कार के लिए और फिर एरोप्लेन के लिए अगर अपन देखते हैं. नाउ फॉर कार एंड नाउ फॉर एरोप्लेन, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1000 किलोमीटर. समझ गए? 1000 किलोमीटर चलेगी नहीं कार. और कितने टाइम इंटरवल में, इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? अगर आप इस टाइम की बात करोगे डेल्टा टी फॉर द कार, तो दिस इज 11 आवर. इन 11 आवर. और कार का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला काउंट होगा, दैट इज 700 किलोमीटर इन 11 आवर. समझ गए या नहीं? ये 11 आवर कैसे निकाल लिए आपने? दिस इज 6 AM to 5 PM. अरे समझ गए? अब एरोप्लेन के लिए देखो, तो एरोप्लेन का डिस्टेंस भी 700 किलोमीटर है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी 700 किलोमीटर है. एंड दिस इज इन हाफ आवर. ठीक है, ये भी आधे घंटे का हो गया. तो एरोप्लेन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है यहाँ पे, बट कार का उसी टाइम इंटरवल में कार का डिस्प्लेस, एक्चुअल में कार ये पाथ से नहीं जा रही है, बट ये इसका डिस्प्लेसमेंट है कार का. एरोप्लेन इसी पाथ से जा रही है, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, बट कार का डिस्टेंस ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, बट टाइम आप नहीं बदल सकते. समझ गए या नहीं? अभी भी कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है अभी? देखो अभी जो डाउट आए थे आपके मन में, मैंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है. अभी बोलो कोई डाउट आया मन में इसको लेकर? हाँ बोलो बेटा. अगर कार डिस्प्लेसमेंट से गई तो वहाँ पे आवर्स कम होंगे ना? मतलब जैसे 1000 किलोमीटर के लिए 11 आवर लग रहे हैं, और 700 किलोमीटर के लिए आवर्स कम होंगे. आवर कम हो जाएंगे, नो डाउट. अगर कार उसी स्पीड से जाओगे और यहाँ से आप जाते हो, तो फिर उसमें आवर कम होंगे. लेकिन कार का जो एक्चुअल पाथ है ये नहीं है ना, आपको हमेशा अगर यहाँ से ऐसी गई तो उसको टाइम कम लगेगा, उसी स्पीड से जा रही है, तो वो अलग है, वो तो अलग इवेंट हो गया. यहाँ पे हम, ये कार एक सिंगल इवेंट है, लेकिन कार अगर यहाँ से जा रही है और यहाँ से जा रही है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आप ट्रीट करोगे ना, एक ही ऑब्जेक्ट थोड़ी है, आप दो अलग अलग इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. तो कार एक सिंगल इवेंट हो गया, एरोप्लेन एक सिंगल इवेंट हो गया. कार के इवेंट में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आ गई. ऐसे एरोप्लेन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई. लेकिन अगर आप एक और कार ले लेते हैं, प्लेन की जगह कार बोल देते, तो फिर तो वो दो अलग अलग चीज बन गई ना. चलो मैं प्लेन हटा देता हूँ यहाँ पर. अगर प्लेन की जगह पे हम एयर टैक्सी बोल दें या एयर कार बोल दें, और जितनी स्पीड इसकी यहाँ पे उतनी स्पीड यहाँ ले लें, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और टाइम आता, 11 घंटे की जगह इसको 8 घंटे लगते या 6 घंटे लगते. समझ गए कि नहीं? तो फिर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही होता, तो इवेंट बदल जाता ना वहां पे, अलग अलग चीज हो जाती है. क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया बेटा कि कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है कोई? यस सर. अब इसमें मैं एक 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए. आप इनमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना कितना होता है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है. ठीक है, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? यस सर. पेज नंबर 4 पे अपन आते हैं यहाँ पे. अच्छा देखो, सम टाइम क्या करते हैं ना, ये तो घड़ी लेके आपने बना दिया. कभी कभी यहाँ पे मान लो t=0, आपके पास स्टॉप वॉच थी, तो आप t=0 कर देते, और जब ये कार यहाँ पे पहुंचती तो टाइम कैसा लिख देते यहाँ पर का t=0, दिस इज 11 आवर. तो ऐसा भी लिख सकते थे, या ऐसी घड़ी यूज करो या इस तरह से घड़ी आप यूज करो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अभी समझ गए या नहीं? तो टाइम आप कैसा ले रहे हो यहाँ पे, इस तरह की घड़ी से टाइम आप ले रहे हो कि ये t=0 लेके आप यूज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया?
ऐसे गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है, जरूरी नहीं कि अपन जीरो से चालू करें, भाई जहां पे आपके घर पे गाड़ी खड़ी होगी आप जीरो कर दिए, फिर वहां से जहां पे पहुंचे वहां पे आप काउंट कर लो तो आप सीधे सीधे बता दोगे। लेकिन अगर आपने जीरो नहीं किया और घर पे ही आपके गाड़ी का मीटर कुछ दिखा रहा है, मान लो घर पे अभी गाड़ी का मीटर अभी आपका 2000 किलोमीटर दिखा रहा है, तो यहाँ पे पहुंचने पे कितना दिखाएगा, वो 3000 किलोमीटर दिखाएगा। तो डिस्टेंस कितना चला गाड़ी में, जो स्पीडोमीटर में जो डिस्टेंस आता वो डिस्टेंस दिखाता है कि डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर होता है वो डिस्टेंस दिखाता बेटा। अगर सर वो तो डिस्टेंस, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट दिखाता ना, तो आप घर से निकले दुकान पे गए दुकान से वापस घर आ गए फिर तो जीरो दिखाता फिर वो, समझ गए। तो गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर होता है वो डिस्टेंस को दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को नहीं दिखाता। मैं अभी इस पेज मिटा रहा हूँ, इस पेज का ले लिया आप लोगों ने स्क्रीन शॉट, हेलो ले लिए क्या? नो सर एक मिनट। अरे अब क्या करोगे, यहाँ तक मिटेंगे? सर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सर ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो पेज नंबर 4, इस पे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन 1। ये सर्कुलर पाथ ली है अपन ने अभी, और सर्कुलर पाथ में ये सेंटर है, ये रेडियस है, और ये पॉइंट अभी ए है। ये यहां से घूमकर, ठीक है, ए पॉइंट से घूमकर कहां तक आ रहा है, ये बी पॉइंट तक आया है, और बी से फिर सी तक गया है। तो आपको फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम ए टू सी के लिए कैलकुलेट करना। मतलब आपके दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रहेगा ए टू बी के लिए और सेकंड आपका बनेगा ए टू सी के लिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं? और चलो और क्वेश्चन बढ़ा देता हूं मैं, यहाँ पर एक और पॉइंट डाल दिया मैंने, ये डी पॉइंट है। तो तीसरा आपका रहेगा ए टू डी, मतलब ये इस तरह से घूमते हुए आ रहा है यहाँ पे, हाँ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर ट्रैक आपको देख रहा है, दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, डायरेक्ट ऐसा ये आएगा ए टू बी फिर बी टू सी, नहीं तो सीधा मत कर लेना। एंड फोर्थ आ जाएगा आपका ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी से ए, मतलब जहां से चले वापिस वहीं पे आ गए, तो कितना डिस्टेंस रहेगा कितना डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये आपको करना है, समझ गए ना? तो यहाँ पे एक कॉलम इस तरह से बना देना, मतलब यहाँ पे आप लिखना ऐसा डिस्टेंस और इधर पे क्या बना देना डिस्प्लेसमेंट, और फिर यहाँ पे क्या ले लेना, पहले फर्स्ट मतलब ए टू बी, फिर सेकंड वाला ले लेना ए टू बी और बी टू सी इस तरह से, और ये ड्रॉ करना यहाँ पे लिखना वैल्यू, और आर के टर्म पे वैल्यू लिखोगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, समझ गए या नहीं? हेलो समझ गए, चारों को इस तरह से बना देना। और yes, फिर हाँ, और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ये सर्कुलर पाथ आपको दिख रहा है, ये पॉइंट ओ है, रेडियस आर है, और ये अभी ए से ये वाली आर्क से होते हुए ये वाले पॉइंट तक गया बी तक, और एंगल कितने डिग्री का, यहाँ पे 2 थीटा का एंगल है। तो सेकंड वाले में भी ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, सपोज दिस एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो आपको आंसर आर के टर्म पे निकालना है, समझ गया या नहीं? तो ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, क्लियर हो गया? यहाँ पे डिस्टेंस कितना चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी? नो सर। ओके तो आप लोग अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये होमवर्क आप लोगों को करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? ओके सर, बाय सर, ठीक है बेटा, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सर, ओके बाय सर। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गए ना अच्छे से, कि और कोई डाउट बचा? नो सर, नो डाउट। ओके आप लोग ट्राई करो क्वेश्चंस को।